शमशीन है शारजा में, वहाँ पे हम नाश्ता करने जा रहे हैं। वो अरबिक काइंड ऑफ बेकरी है। इस वक्त बहुत ही शदीद वाली भूख लग रही है। रात को डेली खा तो लिया था, लेकिन सुबह थोड़े हालात नाजुक थे। और फाइनली हम लोग शमशीन आ गए हैं। ये अरबिक बेकरी है, ये वाली रहा था। ये तो काफ़ी लाइक फैंसी सी जगह है, मैं तो उसको हल्का ले रहा था। शमशीन, और ये देखें इसकी एंट्रेंस है, मैं भी नज़र आ रहा हूँ आपको। वाह, इट्स ब्यूटीफुल। ये इस्तांबुल में हाफिज मुस्तफ़ा इस तरह का लग रहा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा सेटअप है इनका। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि इनकी ब्रांचेस भी हैं या नहीं। फिश, श्रिम्स, पिज़्ज़ा, सीजनर्स, फैतर, तो क्या क्या चीज़ें हैं, किश्ता, बलादी, फैतर और बहुत चीज़ें। चिकन चीज़ फ्राई, सारे ज़बरदस्त आइटम हैं ये, और हैवी वाले। अभी बहुत शदीद सर्दी हो रही है अजमान में, लेकिन गाड़ी के अंदर बाहर वैसे तो बुरा नहीं है, हवा चल रही है। टेम्परेचर आई थिंक 38 ऐसे कुछ होगा या 40 होगा, लेकिन विंडी है वेदर तो बुरा नहीं है। और वैसे एक बज रहा है, लेकिन हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं ताशकीन के नाम से ना? शमशीन है शारजा में, वहाँ पे हम नाश्ता करने जा रहे हैं। वो अरबिक काइंड ऑफ बेकरी है, जहाँ पे लबना और ज़ातार और इस तरह की चीज़ें होती हैं। मनाकिश और चीज़ बोर्ड और ऐसी सब चीज़ें होती हैं। ये देखें सामने आपके लेफ्ट हैंड में, ये लंदन का वो आ गया, बिग बैन लेफ्ट में, अच्छी बिल्डिंग बनाई है। इस तक बहुत ही शदीद वाली भूख लग रही है। रात को डेली खा तो लिया था, लेकिन सुबह थोड़े हालात नाजुक थे, लेकिन शुक्र है अभी रिकवरी हो गई है, तो अब दोबारा कुछ और खाने आ रहे। ये एयरपोर्ट रोड भी जाता है शारजा, और ये बच्चा रोड बना हुआ है, और सामने ये कल्चरल प्लेस पैलेस है, और ये आपको सामने गोल्डन टेम्पल टाउन वाली बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। ये शारजा का कुरान राउंड अबाउट है, बीच पर उन्होंने राउंड अबाउट पर कुरान बनाया हुआ है। हम अलवादा स्ट्रीट पे हैं शारजा, और ये देखिए सारी आप शारजा की मार्केट्स वगैरह और बिल्डिंग्स, और ये शेख मोहम्मद बिन जायद रोड का एग्जिट भी आ रहा है यहाँ से। यही रोड सीधा जो है दुबई की तरफ जाता है। शारजा दुबई ट्रैफिक जैम इत्तेहाद रोड पे, और ये लेफ्ट पे शारजा सिटी सेंटर है। मुझे याद है 2004 में जब मैं फर्स्ट टाइम यहीं आया था, तो मेरी पहली एंट्री इसी मॉल में हुई थी, शारजा सिटी सेंटर। उसके बाद से एक दफ़ा भी नहीं आया। ट्रैफिक क्लियर हो गया है। और ये लेफ्ट पे सफीर मॉल है, इत्तेहाद रोड पर है। राइट हैंड पे एक बिल्डिंग आएगी, जहाँ पे मैं तकरीबन आई थिंक 2 साल रहा हूँ, 2007 से 2009। इसी पर हम लोग दुबई के पास ही आ गए हैं, शारजा क्रॉस कर लिया है। ये दुबई स्टार्ट हो गया है, लेकिन हम यू टर्न लेके शारजा की तरफ जाएंगे, क्योंकि जहाँ हमें ब्रेकफास्ट करना है या ब्रंच बोलेंगे अब तो है, जहाँ हमें ब्रंच करना है वो शारजा में आता है। तो हम लोग अभी ये अब यू टर्न लेके तब जा रहे हैं। ये भी नया बनाया है, थिंक यार जो बनी है ना, ये लेफ्ट पे अंसार गैलरी आ गई है। यहाँ पे बहुत आते थे हम लोग ग्रॉसरी के लिए, क्या बोल रहे हैं ग्रॉसरी के लिए, हाँ अंसार मॉल।
और फाइनली हम लोग शमसीन आ गए हैं। ये अरबिक बेकरी है लेकिन बहुत मशहूर है यहाँ की, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं की। तो बहुत तारीफ सुनी थी यहाँ के सत्तर तबना मनाकिश उस तरह की जो चीज़ें होती हैं लाइक बेक्ड आइटम होते हैं ब्रेकफास्ट के, तो बहुत अच्छे होते हैं। तो हम आपको देंगे रिव्यू यहाँ का कैसा है। ये आई थिंक कोई नई बिल्डिंग बनी है पहले नहीं थी। और जो मैं रहता था वो ये जो बोर्ड के पीछे जो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो येलो बिल्डिंग है ये वाली, यहाँ रहता था। और ये भी कोई नई बिल्डिंग बनी है। ये तो काफ़ी लाइक फैंसी सी जगह है, मैं तो उसको हल्का ले रहा था। शमसीन, और ये देखिए इसकी एंट्रेंस है, मैं भी नज़र आ रहा हूँ आपको। वाओ इट्स ब्यूटीफुल। ये बहुत ज़बरदस्त इनके पास आइटम है, तो मज़ा आ गया यहाँ के। तो भाई काफ़ी अच्छा इन्होंने इनका इसका इंटीरियर है। सारे बेक आइटम्स हैं, ये देखें यहाँ पे ये सारे डिफरेंट किस्म के बकलावा। पानी आ रहा हूँ मैं। ये देखें सारा ये किस्म का डेजर्ट है, इनकी केक्स हैं। काफ़ी वैराइटीज है केक्स। जिसको मीठे का शौक है उसके तो मज़े हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे सारे कुकीज़ हैं और ये ब्रेड सेक्शन है जिसमें गेसिंग के बन ब्रेड हर चीज़ है, बेकरी से रिलेटेड हर चीज़ है यहाँ पर। और बहुत बड़ा सेटअप है, केक्स रखे हुए हैं, स्पंज केक, कॉर्न्स केक। ओहो यहाँ पे भी सारा है हलवे, ज़बरदस्त स्वाद है। जिस तरह दुबई में था ना हाफिज मुस्तफ़ा, सॉरी इस्तांबुल में हाफिज मुस्तफ़ा, इस तरह का लग रहा है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा सेटअप है इनका, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि इनकी ब्रांचेस भी हैं या नहीं। इनका डाइनिंग एरिया की तरफ जाते हैं, ये इनका डाइनिंग एरिया है और हमारी फैमिली खड़ी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे भी सारा फिश श्रिम्स पिज़्ज़ा सीजनर्स फैतर, तो ये क्या क्या चीज़ें हैं, किश्ता बलादी फैतर और बहुत चीज़ें। साफ सुथरा बहुत अच्छा इंटीरियर है। फूड हमारा ऑर्डर हो गया है, हमने दबना और मनाकिश ज़तार और चीज़ की कोई चीज़ होती है, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो हमने ऑर्डर किया है। तो हम खाने के बाद आपको बताएंगे, इसका रिव्यू देंगे कि कैसी। चिकन मनाकिश आ गया, हनी क्राफ्ट, चिकन मनाकिश ज़तार और वो क्या है लास्ट वाला, वो भी चिकन वो है हनी क्राफ्ट है। और ये चिकन चीज़ भाई, सारे ज़बरदस्त आइटम हैं ये और हैवी वाले। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त केक बनवाया है किसी ने, ये पिक्चर पूरी है और पीछे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे फेमस। ये देखिए यहाँ क्या ज़बरदस्त केक बनाया है इन्होंने और फिनिशिंग बहुत अच्छी है।